नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। सोनीपत में पीएम मोदी ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने से कांग्रेस के पीठ में दर्द हो गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने हरियाणा की तारीफ में यह भी कहा कि इस क्षेत्र ने भारत को हर क्षेत्र में गौरवान्वित किया है, चाहे वो कुश्ती के रिंग में लड़ रहे हो या आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हो। और सोनीपत का अर्थ है किसान, जवान और पहलवान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तराधिकारी चुन लिया है। उनका कार्यकाल 17 नवंबर को खत्म हो रहा है। कोर्ट के मुताबिक रिटायरमेंट से एक महीने पहले कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेजकर जस्टिस गोगोई ने एस ए बोबड़े को अगला मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। दरअसल जस्टिस बोबड़े सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज है, जो 23 अप्रैल 2021 को रिटायर होंगे। श्रीलंका के हाथों T20 सीरीज में शर्मनाक हार का चीकरा कप्तान सरफराज अहमद के सिर फूटा है। आखिरकार सरफराज को कप्तानी गंवानी पड़ी है। इतना ही नहीं, विकेटकीपर बल्लेबाज सरफराज को टेस्ट और T20 दोनों ही फॉर्मेट से बाहर कर दिया गया है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ सीरीज में सरफराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस में गिरावट आई थी, जिसके बाद पीसीबी ने अजहर अली को 2019 से लेकर 2020 सत्र में पाकिस्तान के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप मैचों के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए शहर में एक अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने दुकानदारों को ऐसे लिफाफे बांटे जो आसानी से गल जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बाजारों में जो प्लास्टिक यूज किया जा रहा है वो बहुत खतरनाक है और वो नष्ट भी नहीं होता है। वहीं दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की। सीएम योगी जहां एक तरफ पशुओं के लिए गौशाला बनवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारी उनकी योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला चंदौली के धानापुर क्षेत्र का है, जहां गौशाला में पल रही छुट्टा गायों को खाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, भूख से बीमार गायों के इलाज के लिए कोई डॉक्टर तक नहीं है, जिसके चलते आए दिन कई गायों की मौत होती रहती है। अमेठी पुलिस लाइन में तैनात शारीरिक रूप से कमजोर एक सिपाही ने राष्ट्रीय मानवाधिकारी को पत्र लिखकर अपने जिले में स्थानांतरण करने की मांग की है। वहीं उसने ये भी कहा है कि अगर उसका स्थानांतरण नहीं किया गया तो उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। इटावा का रहने वाला महावीर सिंह यादव नाम का सिपाही पिछले 3 सालों से अमेठी के पुलिस लाइन में तैनात है। ललितपुर में बाइक सवार दो युवक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से जा टकराए। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई और एक को इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा मचाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। नवी मुंबई के खारघर में बच्ची ने एक प्राइवेट ट्यूटोरियल के कर्मचारी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। साथ ही इसमें संलिप्त एक युवक पर भी फोन कर होटल बुलाने का आरोप लगाया गया है। बच्ची ने बताया कि वो बहुत दिन से ये बात किसी को नहीं बता रही थी। हालांकि परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में तीसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने 30 मेघावी छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, जिसमें 17 छात्राएं और 13 छात्र शामिल हैं।